कोरोना वायरस का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण बाजार में सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के साथ साथ उनके परिजन भी मास्क लगाकर सामाजिक सरोकार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला राजधानी जयपुर में, जहां पर बनीपार्क थाने के पुलिसकर्मियों के परिजनों की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क बनाए गए हैं। ये मास्क सभी पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए जो कि कोरोना में 24 घंटे ड्यूटी करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। खास बात इसमें यह रही कि मास्क कपड़े या फिर फैब्रिक के ना होकर प्लास्टिक से बनाए गए, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद कारगर है। हेलमेट की तरह ईजाद किए गए प्लास्टिक के मास्क पूरे फेस को कवर करेंगे। इस मास्क को पहनने में पुलिसकर्मियों को ना ही तो बार बार फेस पर हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही संक्रमण की चपेट में वो लोग आ सकेंगे। पुलिसकर्मियों के परिजनों की ओर से तैयार किए गए इस मास्क को डीसीपी वेस्ट कावेंद्र सिंह सागर को सुपुर्द किया गया, जिससे कि जिले के सभी पुलिसकर्मियों को ये मास्क वितरित किए जा सके। बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो जयपुर पुलिस के साथ साथ इस कोरोना से जंग लड़ने के लिए बड़ी मुस्तैदी के साथ में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और उसी का एक आप यहां पर उदाहरण देख रहे हैं कि तमाम जो कोरोना वायरस हैं, ये कोरोना वायरस तमाम पुलिसकर्मी हैं और उनके परिजनों की ओर से बनाए गए ये मास्क हैं, फेस मास्क है जो कि फेस पर लगाया जाएगा। चूँकि आमतौर पर जो मास्क लगाए जा रहे हैं वो कपड़े के हैं या फाइबर के हैं, मगर ये प्लास्टिक के रूप में पूरा मास्क है, ये पहली बार बनाया गया है। और इन मास्कों को तो उन तमाम पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा जो 24 घंटे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यहाँ पर तमाम जो ऐसे कर्फ्यू ग्रस्त जो इलाके हैं या कोरोना से ग्रस्त जो इलाके हैं वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, और उनको ये मास्क उनके प्रोटेक्शन के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर डीसीपी साहब को जो वेस्ट हैं काविंदर साहब, उनको ये पूरा मास्क दिए गए हैं इन वॉरियर्स ने, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिजनों ने। सर, किस तरह की ये एक पहल है और उसके बाद ये पूरे मास्क दिए गए? ये जो मास्क है ये एक तरीके से शील्ड की तरह है, आप अपने फेस पे लगा लो इसे, जो ये पहला आपने मास्क लगाया इसके ऊपर ये लग जाएगा, तो जैसे बार बार अपनी आदत होती है हाथ अपना फेस तक जाता है, तो इससे ये बार बार ये अपना जो हाथ है फेस के पास नहीं जाएगा। अगर अपने हाथ में कहीं से कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है, कहीं से इन्फेक्टेड भी हो जाता है, तो इससे इस चीज़ से अपनी जो है सुरक्षा होगी। ये हमारे जो बनीपार्क थाने वाले ये एक हेड कॉन्स्टेबल है नरेंद्र, इनके जो फैमिली वाले इनके छोटे भाई हैं, इन्होंने इसे तैयार किया अपने घर पे, इन लोगों ने कुछ प्लास्टिक वगैरह का यूज करके इस चीज़ को बनाया है। बड़ा अच्छा इनका ये इनोवेशन है और ये बड़ी इनकी इनकी जो मोटिवेशन है, मतलब ये काफ़ी तारीफ के काबिल है कि इन्होंने खुद अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये इतना अच्छा इनोवेशन पुलिस वालों के लिए किया है। सर, कितना कारगर साबित होंगे ये? देखो, जैसे अभी अपन देख पा रहे हैं कि ये कम से कम जो अपने हाथ, जैसे हमने किसी भी एक सरफेस को टच किया अगर वो इन्फेक्टेड था, और जनरली अपनी आदत है ही कि अपना हाथ बार बार जाता है यहाँ पे, तो उससे तो ये कम से कम प्रोटेक्ट करेगा। जैसे अपन सैनिटाइजर वगैरह का यूज कर रहे हैं तो उसी तरह से इसका भी उपयुक्त है। बाकी इन्होंने कैसे बनाया, किस तरह से इनका ऑब्जेक्टिव रहा, ये आपको बताएंगे। बिल्कुल, वाकई में एक अनूठी यहाँ पर क्रिएटिविटी है यहाँ पर, और उसी के चलते ये मास्क बनाया गया। आप बताएंगे कैसे इस मास्क के लिए आपके माइंड में आया, क्योंकि आमतौर पर आप कपड़े का मास्क वगैरह यूज करते हैं, क्या एक उद्देश्य है? कपड़े का मास्क वगैरह हमने काफ़ी सारे बना के बांटे, फिर कपड़े के मास्क में बहुत सारी कॉपीज हुई, उसमें क्वालिटी मेंटेन, उसमें जो भी है अलग अलग रेट्स आई उनकी। अब मेरे तीन ब्रदर हैं, वो पुलिस में हैं, ये जब ड्यूटी पे निकलते हैं सुबह तो मम्मी को परिवार वालों को चिंता रहती, तो हमने ये सोचा, हमने प्लास्टिक की एक शीट लेके फेस मास्क, जैसे पुलिस वाले जब भी किसी से बात करते हैं नाकाबंदी पॉइंट्स पे इन पे, तो वो उनको मजबूरन ही बोलना पड़ता है, दूर हट के बात करो, थोड़ा अलग से बात करो, वहीं से बोलो। इन शब्दों को चुनने के लिए जो आपका ये माउथ मास्क है, इसको कंटिन्यूसली रहते हुए आपका सेकंड कवर रहेगा, ये इस पर आपके हाथ जो बार बार फेस पे आते थे वो नहीं टच होंगे, आपकी हैबिट्स में जो नॉर्मल सबके जनरली होता है तो ये नहीं होगा। और ये बहुत लाइट वेट है, इसमें आप इसको कितने भी टाइम में, कितने भी लंबे टाइम लगाओ आपको पता भी नहीं चलेगा। एक फेस शील्ड है, बिल्कुल आप इसको देख रहे हैं, इस फेस शील्ड को आप मास्क पर लगाइए, बार बार आपको हाथ लगाने की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। साथ में तो तमाम जो पुलिसकर्मी इस समय जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और तमाम लोगों से जो बातचीत करते हैं, तो उनको बार बार ये कहना पड़ता है कि आप थोड़ा दूरी से बात कीजिए, दूरी से बात कीजिए। इनिशियली कई बार ऐसा होता है कि जो मास्क लगाते हैं उस पर भी हाथ जाता है बार बार, मगर कहीं ना कहीं ये जो मास्क है वो बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। मगर तमाम जो पुलिसकर्मियों के परिवारों की ओर से जो ये अनूठी मुहिम है जो निभाई जा रही है, जो भागीदारी निभाई जा रही है कोरोना
से जंग लड़ने में वे वाकई में काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव इंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़, जयपुर।